बहुत बहुत धन्यवाद भावना। पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी उपस्थिति को एक बार प्रणाम करिए, बहुत जोरदार तालियां बजा करके जो है स्वागत कीजिए आप अपना खुद का। भावना ने बिल्कुल सही बोला कि मैं भोपाल से आया हूं, लेकिन आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं भोपाल में जरूर रहता हूं पिछले 14-15 सालों से, लेकिन ये जो धरती जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये बनारस शहर, यहाँ की मिट्टी में खेल के ही मैं बड़ा हुआ हूँ। जिसको नहीं पता होगा मैं बताना चाहूंगा कि ये बनारस मेरे लिए कितना करीब है। एक चार लाइनों से आपसे जुड़ता हूँ, उसके बाद अपने दोहों पे आता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भी। मैं दुनिया का इसे प्राचीनतम इतिहास लिखता हूँ। वाह। मैं दुनिया का इसे प्राचीनतम इतिहास लिखता हूँ, जहाँ मस्ती बहुत सस्ती शहर वो खास लिखता हूँ। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। जहाँ मस्ती बहुत सस्ती शहर वो खास लिखता हूँ, बहुत घूमा हूँ दुनिया में तरक्की लाख दिखती पर, बहुत घूमा हूँ दुनिया में तरक्की लाख दिखती पर, बनारस को मैं अपने दिल के सबसे पास लिखता हूँ। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। पास लिखता हूँ बनारस में। साहब जो एक बार रह लेगा ना, उसको दुनिया का कोई भी कोना, किसी भी शहर, किसी भी देश भेज दीजिए, अच्छा नहीं लगेगा। मजबूरी होती है कि लोग दूसरे शहर में जाके रोजी रोटी का सवाल होता है, बस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा, वैसा ही कुछ है। लेकिन मैं देख रहा था कि अभी पहले सत्र में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, दूसरे सत्र में भी कविता की शुरुआत हो गई, लेकिन बनारस में रह के अगर बनारस की बोली बनारसी बोली न हो तो मुझे लगता है कुछ कुछ अधूरा सा है। एक मुक्तक आपको यहाँ जो काशिका होती है, बनारसी बोली काशिका बोलते हैं उसको, एक मुक्तक काशिका मैं आपको देता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। आपको बनारस दिखाता हूँ चार लाइनों में। यहाँ पंडन से बच के तू जरा रहिया बनारस में। क्या कहने, है ना भाई। यहाँ पंडन से बच के तू जरा रहिया बनारस में, लगेला जाम सड़की पर बहुत गैया बनारस में। लगेला जाम सड़की पर बहुत गैया बनारस में, यहाँ दिल से मिला सबसे ततो पे जान दहियन सब। यहाँ दिल से मिला सबसे ततो पे जान दहियन सब, अगर होशियार बनला तू ठगा जैबा बनारस में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठगा जैबा बनारस में, महादेव। क्या कहने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप। एक बार और सुना दीजिए। चलिए एक बार और सुनाता हूँ, एक बार और सुनाता हूँ। यहाँ पंडन से बच के तू जरा रहिया बनारस में, यहाँ पंडन से बच के तू जरा रहिया बनारस में, लगेला जाम सड़की पर बहुत गैया बनारस में। यहाँ दिल से मिला सबसे ततो पे जान दहियन सब, यहाँ दिल से मिला सबसे ततो पे जान दहियन सब, अगर होशियार बनला तू ठगा जैबा बनारस में। अगर होशियार बनला तू ठगा जैबा बनारस में। सब लोग समझ गए हुई हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग। चलिए दो पे आता हूँ। हमारे बहुत ही अच्छे वरिष्ठ गजलकार कवि सब लोग बैठे हुए, सबको सुनना है, तो मैं जल्दी जल्दी कुछ दोहे सुना देता हूँ जिसके लिए मुझे खास आमंत्रित किया गया है। स्वागत है। दोहों के माध्यम से आपको मैं कुछ चित्र दिखाऊंगा, कुछ आपको आपकी यादों में लेके चलने की कोशिश करूंगा, पसंद आएगा तो सूचित करते रहिएगा बीच बीच।
एक साहित्यिक परिचय एक दोहे के माध्यम से अपना देना चाहता हूँ। स्वागत। गजल लिखे दोहे लिखे मुक्तक या फिर गीत, गजल लिखे दोहे लिखे मुक्तक या फिर गीत, बादल ने जब भी लिखे या आंसू या प्रीत, बादल प्रीत का तो जवाब नहीं, आंसू या प्रीत। आपके गांव लेके चलता हूँ, अभी कुछ समय पहले अभी ठंड का मौसम बीता है, आपके गांव लेके चलता हूँ। आपने अगर गन्ने का खेत देखा होगा, वहां गुड़ बनते हुए देखा होगा कढ़ाई में, तो आपको कुछ याद आ जाए तो बताइएगा कि गन्ने से गुड़ बन रहा गम का सारा गांव, गन्ने से गुड़ बन रहा गम का सारा गांव, दोना लेकर आ गए बच्चे नंगे पांव, बादल गुड़ की सोंधी सोंधी महक आने लगी नंगे पांव। बहुत शुक्रिया। एक और देखिए, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो मैंने क्या सोच के क्या लिखा है कि दिन कर के संग आचरण मानव करे विचित्र, दिन कर के संग आचरण मानव करे विचित्र, गर्मी भर दुश्मन कहे सर्दी आते मित्र, बादल सर्दी आते मित्र। और दोहा देखिए कि आपने देखा होगा कोरोना पीरियड में जब पहला लॉकडाउन लगा था तो मजदूर हमारे महानगरों से 500,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अपने अपने गांव पहुंच रहे थे, उनके पैरों के छाले रोज अखबार में या टीवी पे हम देखते थे, मन बड़ा द्रवित होता था। एक दोहा लिखा है वहां से, अगर बात आप तक पहुंचे तो बताइएगा कि जब छालों में हो गई शुरू गुदगुदी पांव, जब छालों में हो गई शुरू गुदगुदी पांव, राही तब तुम मानना बहुत पास है गांव, ओ बादल बहुत पास है गांव। बहुत बहुत बढ़िया भैया, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। एक बचपन का दृश्य इन्हीं बनारस की गलियों में देखता था मैं, बहुत छोटा था लिख नहीं पाता था वो दृश्य, लेकिन मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, थोड़ा बड़ा हुआ कुछ लिखना आया तो एक दोहा लिखा था। आपको भी शायद ध्यान रखा जाएगा। हाँ, मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि हम लोग थोड़ा समय का ध्यान रखें, तो हम लोग थोड़ा पंक्चुअल। एक दो दोहे और अंतिम दोहे सुनाता हूँ। मन तो कर रहा है भैया आपके दोहे सुनते ही रहे हम लोग। एक दो दोहे फिर उसके बाद जो है मैं अपना स्थान लूंगा। कि सेहत से रोटी पड़ी तभी रहा वो खास, सेहत से रोटी पड़ी तभी रहा वो खास, भर गुब्बारा बेचता बूढ़ा अपनी सांस, ओ बादल बूढ़ा अपनी सांस। बहुत बहुत। एक अंतिम दोहा सुनाता हूँ। आपने देखा होगा कि अभी हमारे पिछले दो साल पहले चाइना हमारे गलवान घाटी में घुस के आ गया, हमने उनसे युद्ध किया, हमने उनके 43 जवान मारे, बदले में हमारे 20 जवान शहीद हुए। इतिहास में पहले ऐसा नहीं होता था। एक दोहा उस भाव के साथ लिखा है, सुनिएगा। कि भारत ने सीखा अभी कर के वर्षों भूल, भारत ने सीखा अभी कर के वर्षों भूल,
फूल मिले तो फूल दो, शूल मिले तो शूल बादल, शूल मिले तो शूल। बोलिए भारत माता के जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत